खबर राजधानी जयपुर से है। बता दो, विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। सदन की व्यवस्था के खिलाफ भाजपा का विरोध जारी है। प्रश्नकाल में भाजपा विधायकों ने कोई सवाल नहीं किया। पांचना बांध की नहरों की सफाई और मरम्मत का मामला भी उठाया गया। विधायक रामकेश मीणा ने सदन में ये मामला उठाया। कमांड एरिया के किसान है, पानी के लिए काफी परेशान। इस मुद्दे को भी उठाया गया और मंत्री बीडी कल्ला ने इसका जवाब दिया। गुडला संघर्ष समिति के आंदोलन की वजह से यहाँ पानी नहीं छोड़ा गया और साथ ही विवाद की स्थिति में यहाँ पानी नहीं छोड़ा गया, ये जवाब देते हुए बीडी कल्ला ने कहा। खाद्य सुरक्षा योजना में लंबित आवेदन का भी मुद्दा आज विधानसभा में उठाया गया। किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक ने सदन में ये मामला उठाया और मंत्री रमेश मीणा ने इसका जवाब दिया। कहा कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई आवेदन लंबित नहीं है। प्रदेश में बता दो 79.40% पात्रधारियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन का विरोध किया गया और कांग्रेस विधायक दल ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया है। केंद्र सरकार चाहती है कि सूचना के अधिकार से छेड़छाड़ ना की जाए। भ्रष्टाचार के कारण सूचना देने से कतरा रही है केंद्र सरकार, ये भी आज प्रदेश की सरकार ने आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने भी एक पत्र लिखकर इस पर कड़ा ऐतराज जताया। सूचना के अधिकार की मजबूती के लिए कांग्रेस हर प्रयास करेगी। देश में सबसे पहले राजस्थान से लागू हुआ था सूचना का अधिकार और इसीलिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर अपना ऐतराज जताए। पीने की पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए पर्ची के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। अजमेर जिला पूरी तरह बीसलपुर बांध पर निर्भर है, यहाँ तक उसके बाद लगातार जयपुर, टोंक और दौसा जिलों को भी इसके साथ जोड़ दिया गया। आज 4 जिलों की 90 लाख जनता इस बीसलपुर पर डिपेंड है। बीसलपुर की क्षमता 38.7 TMC है। आज बरसात न होने के कारण वह केवल 2.25 TMC पानी उसमें बचा है, जिसके कारण से कई महीनों से अजमेर को 3 दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है, वह भी आधा घंटा देख करके 1-2 बाल्टी पानी अजमेर को मिल रहा है। और अब इस केवल इस बीसलपुर बांध में 9 दिन का पानी बचा है।